देखिए दोस्तों, अगर आपने आरआरबी, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन किया है तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अब तक ये सबसे बड़ी खबर है आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में। या दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए देख लेते पूरी जानकारी। पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी उसको बोलते हैं, एनटीपीसी इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में हमने वैकेंसी अनाउंस करी थी करीब 35,200 की। क्या होता है, 1.6 करोड़ एप्लीकेशन आई है, 1.6 करोड़ एप्लीकेशन आई है। और ये जो एनटीपीसी का जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, पिछले 3 सालों में जो भी हमने रिक्रूटमेंट किया है, इसमें समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि 1.6 करोड़ एप्लीकेशन को पूरा स्क्रूटनी की जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उनके सब कुछ चीज़ें मिलान करके, और उसके बाद से आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर से सारे एग्जाम होते हैं, इसके एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं, ये एग्जाम महीनों चलते हैं। कैंडिडेट्स आपने देखा होगा कि जब ये एनटीपीसी का एग्जाम होता है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ट्रेवल करते हैं ट्रेनों में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो ट्रेवल करके जाते हैं। 1.6 करोड़ लोगों को चाहे हम कितना भी उनके एग्जाम सेंटर उनके घर के पास रखने की कोशिश करें, उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये हमने पूरी तैयारी कर ली थी लॉकडाउन से पहले, स्क्रूटनी वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। वी वेयर इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दोज सेंटर्स जहाँ पे कि इनका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर हम सेलेक्ट करने वाले थे, और इसके बीच में ये जो वैश्विक महामारी आ गई, बिना बताए आ गई, और वैश्विक महामारी में जिस तरह से समस्या आ गई, इस समय हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि 1.6 करोड़ लोगों का एग्जाम हम शुरू करने से, जो ये कोविड की सिचुएशन है, इसको एसेस करना पड़ेगा, और उसको एसेस करने के बाद ही हम ये एग्जाम कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस समय ये जो वैश्विक महामारी है जिसमें कि सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मिलके इस वैश्विक महामारी की लड़ाई को जीतना है। और जैसे ही स्थिति सुधरेगी, जैसे ही थोड़ा सा ये संभव होगा हमको कि एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे और वो होगा, तो जैसे शेड्यूल हो जाएगा इस पे हम एग्जाम कराएंगे।